सोचता हूँ कि क्या कभी आपने गौर किया कि अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरबत लगी तो कैसे लगी। अजीज आप देखें, एक्सीडेंट भी दो तरह के होते हैं। कभी हम जा रहे होते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आके ठुक जाती है तो उतना ज्यादा शदीद नुकसान नहीं होता है, लेकिन कहीं आमने सामने जो है गाड़ी टकरा जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जान बचना भी मुश्किल हो जाता है और जिस सवारी पे हम सवार होते हैं उसका भी बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाप और बेटे की जरबत को देखें, जब मेरे मौला गाजी अबुल फजल अब्बास पर आई से एकदम से फरात के ऊपर चढ़ रहे थे तो इधर से गाजी जा रहे थे, उधर से लश्कर ने आके हमला किया, सर पे गुल्ज लगी, गाजी संभल ना सके, जमीन पे आ गए। तब आप देखें मेरे मौला पहला सजदा कर चुके थे, फिर उठे, उठने के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुबे इलैह, अब दूसरे सजदे में गए। अदादारो जब दूसरे सजदे से सर उठा रहे थे, इधर से इब्ने मुल्जिम की तलवार चली, यानी पूरी ताकत से अली उठ रहे थे, पूरी ताकत से इब्ने मुल्जिम की तलवार। अदालो अली जो फतेह खैबर खंदक को, जिसने दो उंगलियों पे फतेह खैबर को उठा लिया हो, इब्ने मुल्जिम की तलवार लगने के बाद अली कादाजे के घर पे नहीं आ सके, बल्कि बच्चों से कहना पड़ा, बच्चों गलीम ले आओ ताकि मुझे उस पर लिटा दो ताकि मैं घर तक पहुंच जाऊं। आज़ादारों 9 दिन के बाद ईद आ गई, जब ईद आई तो यही भाई बहन के यहाँ आया, भाई बहन के आया, बहन से कहा है बहन बाबा के बाद पहली मर्तबा तेरा भाई, तेरा भाई तेरे पास ईद के लिए आया है। अरे तेरी ख्वाहिश हो तो बयान कर। कहा क्या ख्वाहिश को पूरी करेगा? कहा भैया क्यों ना पूरी करूंगा, मैं बहन क्यों ना पूरी करूंगी, जरूर पूरी करूंगी। एक मर्तबा बाजू में हुसैन खड़े थे, हसन ने अपने भाई हुसैन के सर पे हाथ रखा, कहा बहन जरूर पूरी करूंगा। एक मर्तबा बहन करीब आई, गले में मिलके एक बात कही, कहा जाके अब्बास से कह दे के बाबा का बाबा, बाबा की रेगा, बाबा की जुल्फनार पहन का घर में आ जाए, इसलिए के गाजी मेरे बाबा से ज्यादा। सयालमुल लजीन जखरुब अय्यामुल कलबी हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों के कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हम सबको आसान हज ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजीद फरमा, हम सबको उनके अरमान अनुसार में शुक्र।